अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, मैं यहाँ पर सुनार की दुकान पे आई थी, क्योंकि मैंने जो कोका पहने हुए हैं उनको थोड़ा सा पॉलिश करवाने से ना उनकी चमक दोबारा से उसी तरह ही हो जाती है जैसे नए का नया लिया हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ देखे थे, ब्रेसलेट भी मुझे अच्छे लग रहे थे, क्योंकि मेरे पास एक दो रिंग्स हैं, तो वो क्योंकि मैं इतना पहनती नहीं हूँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे ब्रेसलेट बनवा लूँ। तो अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया। उसके बाद मैं बेडशीट वाली दुकान पे गई, वहाँ पर मैंने ईद के लिए जो बेडशीट बिछानी है उसको ऑर्डर दिया। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए इधर आई थी चाइना मार्केट वाली साइड पे। यहाँ पर अम्मी की एक दो शूज़ वगैरह अम्मी ज़्यादा चाइना मार्केट से ही लेती हैं, वो मैंने देखने थे। तो चाइना मार्केट आऊँ और डेकोरेशन की दुकान पे ना आऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर जो था फूल, आप यकीन करें इतने महंगे हो गए ना कि मैं तो बस पूछ पूछ कर ही थक गई थी कि कोई थोड़ा रीजनेबल प्राइस में मिले। तो बस मुझे ये वाले जो फ्लावर्स है ना, ये थोड़े से सस्ते मिले हैं, कि 150 150 का बंच था ये। तो फिर मैंने ये तीन लिए हैं, और इंशाल्लाह मैं इसको ईद की जो मैंने अरेंजमेंट करनी है, तो ये काफ़ी अरसे से ड्यू था कि मैंने करनी थी ये अरेंजमेंट ब्लू कलर थीम के साथ, क्योंकि अब क्योंकि कुशन जो है हमारे इसके सोफे के, हम लोगों ने ब्लू थीम मैंने रखी है, तो भी उस हिसाब से ही सारी अरेंजमेंट मैंने करनी थी। तो यहाँ पर जो मैंने वॉश में अरेंजमेंट की हुई थी उन सबको मैंने बाहर निकाल लिया है, और अब मैं इनको दोबारा से अरेंज करूँगी। और यहाँ पर जो वॉश के अंदर बजरी डाली हुई थी वाइट कलर की, उसको मैं डाई करूँगी सबसे पहले। और पहले भी मैंने एक दो दफ़ा इसे डाई करके ही मैं डालती थी, लेकिन अब काफ़ी अरसे से मैंने नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कलर उठेगा ब्लू कलर में ना, तो मैं फिर उसके लिए लेके आई हूँ ये पोस्टर कलर जो होते हैं ना, ये 30 रुपये की एक मतलब जो होती है बॉटल वो मिली है। और ये जो मैंने वॉश के अंदर ये ग्लो की बेल के रिंग से बना के डाले हुए थे, वो अब मैं वॉल पे लगाऊंगी और इसकी मैं उसके साथ ना अरेंजमेंट करूंगी। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने जो मैं लेके आई थी ये पोस्टर कलर, वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, और अब मैं इस तरह सारी बजरी पे डाल डाल कर इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो ये वाला जब अरेंजमेंट में नीचे मैं डालूंगी वॉश के अंदर, तो वो नज़र जब आएगा तो और भी जो मेरी अरेंजमेंट होगी वो और भी इसमें अच्छी लगेगी। तो ये पहले भी मैंने इसे एक दफ़ा मैंने ग्रीन कलर में डाई किया था, वो भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो शीशे का है तो वो जब नज़र आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पर मैं रेडी हुई हूँ अपनी कज़न के निकाह पर जाने के लिए। ईद से सिर्फ 2 दिन पहले उसका निकाह था, और ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने आगा नूर से लिया था, और ये इस के ऊपर ना बहुत बहुत खूबसूरत थ्रेड वर्क का काम हुआ हुआ है, बैक पे भी फुल एम्ब्रॉयडरी है, और ये अंगरखा स्टाइल में बना हुआ है। और जो स्लीपर सॉरी जो मैंने सैंडल्स पहने हुए हैं वो मैंने मेट्रो से लिए थे, वो भी मैंने कम से कम 2 2.5 साल पहले लिए थे, लेकिन ये होता है कि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं पहनी हुई। और यहाँ पर हमारी गाड़ी का एसी ख़राब था, तो हम लोगों ने क्रीम मंगाई थी और उसमें हम आए थे। तो यहाँ पर बस हम लोग आए हैं, तो ब्राइड की एंट्री हो रही है, और मेरी कज़न जो है वो बहुत, उन्होंने खूबसूरत कलर का एक्वा ब्लू कलर का शॉर्ट शर्ट के साथ जो है वो शरारा पहना हुआ था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था।
और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर निकाह हो चुका है और सब बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे थे मेरी कज़न के लिए कि अल्लाह मियाँ इसको ढेरों खुशियाँ दे, इसकी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा खुशियों भरी हो। और यहाँ पर बस अब आपको पता है कि निकाह से फारिग होके फ़ोटोग्राफ़र पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे और बाकी लोग भी आके स्टेज पे अपनी पिक्चर्स ले रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना ये छोटू सी गुड़िया हमारी मेरी कज़न की बेटी है और बहुत क्यूट है, इसकी ड्रेसिंग इतनी प्यारी होती है ना हमेशा से। और यहाँ पर जो है बिद भी सबको मिल चुकी है और मैं अपनी बिद लेके बहुत ज़्यादा, हमेशा बचपन में ना बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती थी जब बिद इकट्ठी होती थी ना, और मुझे इसमें कुछ भी नहीं खाना होता था सिवाय छुवारों के। मुझे इतने शदीद किस्म के छुवारों से मतलब इतना मुझे पसंद थे ना बचपन में, तो मैं पूरी बिद किसी और को दे देती थी लेकिन सिर्फ मुझे इसमें से छुवारे चाहिए होते थे। तो बिद जो थी उसमें सब कुछ बहुत मज़े का था और फिर बाद में बिद बांटते ही बस खाना भी साथ में रख दिया गया था और खाने में बहुत अच्छा था खाना। इसमें मटन पुलाव था और चिकन रोस्ट था, सीख कबाब थे और मटन कुन्ना था, इसके अलावा सैलेड्स बहुत किस्मों के थे और आलू बुखारे की चटनी जो सबकी फेवरेट होती है। अच्छा ये वाला जो क्लिप था ना, ये छोटू सा क्लिप, इसमें जब दूध पिलाई हो रही थी ना, बहुत डिफरेंट स्टाइल से मेरी कज़न की दूध पिलाई हुई है क्योंकि इसमें फीडर यूज़ किया था उन्होंने छोटा सा, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला ना ट्रेंड, तो बहुत हंस रहे थे सब और थोड़ा डिफरेंट था सबसे। तो और ये ईद वाले दिन का क्लिप है, यहाँ पर हम लोग केक लेके गए थे और आज के दिन मेरी बर्थडे भी थी इसलिए डबल सेलिब्रेशन थी मेरे लिए, ईद भी थी और मेरी सालगिरह भी। तो यहाँ पर बस फिर मैंने अपनी कज़न को बोला, कट तो मैंने किया था केक और फिर मैंने अपनी कज़न को बोला कि आप प्लीज़ सेक्शन कर दें क्योंकि मुझे इसका ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़ ही रहती हूँ कि कितने करूँ तो सब में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर मामी ने बहुत 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 मज़े का खाना बनाया था, मेरी मामी बहुत ही मज़े का खाना बनाती हैं और जो मेरा कज़न है वो भी बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो बस हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, सब ने हला गुला किया। ईद पे गोश्त की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं अगर गोश्त कटता हुआ या बनता हुआ देख लूँ तो फिर मेरा बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता और मैं नहीं खा सकती, लेकिन ये है कि मैं कुर्बानी का गोश्त बिल्कुल खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि कभी भी जो भी कुर्बानी का, चाहे बकरा हो चाहे जो भी जानवर हो, तो कभी भी उसमें से स्मेल नहीं आई जितनी भी दफ़ा बचपन से अब तक, मतलब जब से मैंने होश संभाला है और जब भी मैंने कुर्बानी का गोश्त खाया है बहुत अच्छा होता है और बड़ा मज़े का जायका होता है इसका, स्मेल तो बिल्कुल नहीं आती। तो जी बस वहाँ से फारिग हो गए हम लोग, फिर मैंने बाद में कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फैमिली टाइम था और सब आपस में बातें शाते कर रहे थे। उसके बाद मामी ने तो बहुत कहा कि खाना खा के जाओ शाम का भी, लेकिन फिर हम लोग निकल आए थे कि गोश्त वगैरह भी संभालना था और उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजी उनका दिन गुजरा था। तो यहाँ पर वापसी पर आते हुए तहजीब पे चले गए और तहजीब से फिर काफ़ी अर्से बाद हम लोगों ने तहजीब का पिज़्ज़ा खाया है। बाहर से कहीं से भी खा लो लेकिन जो घर के पिज़्ज़े का टेस्ट है ना वो कहीं भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर बस अभी मैं अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करूँगी और यहीं तक था मेरा ईद का व्लॉग। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।